21 मार्च 2020 से लगातार जो है कोविड केसेज आ रहे हैं। सभी हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, पैरामेडिकल वर्कर्स, कंटैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग के लिए सब लोग तेजी से लगे थे। जो भी केस आता था उसके कंटैक्ट के जितने लोग होते थे उनको ट्रैक करके सबकी सैंपलिंग कराते थे। सैंपलिंग कराने के बाद अगर वो पॉजिटिव आ जाता था उसको होम आइसोलेशन या मेडिकल आइसोलेशन रखते थे, मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए करते थे। इसके अलावा जो केसेज आ जाते थे उनको भर्ती करने के लिए प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करते थे और एडमिट होने के बाद ठीक होने तक उनका जो है बिल्कुल पूरा केयर किया जाता था। और बाकी कम्युनिटी में जो हमारे एल्डरली 50 साल से ऊपर के लोग हैं सबके अंदर डिफरेंट ग्रुप बना करके और अपने रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से हम लोगों ने आइबरमेक्टिन का डिस्ट्रीब्यूशन की प्रतिरोधक क्षमता के लिए किया। और बाकी सभी लोग पूरा हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है प्रशासन के लोग सब लोग लगे रहे, जिससे कि आज ये स्थिति हो गई कि करीब करीब 11 महीने में हम लोगों ने इस कोविड कंट्रोल पे पूरा कर लिया है और बीमारी पर लगभग विजय प्राप्त कर लिए। उनके लिए लकी ड्राई है कि उनके लिए जो हम इम्यूनाइजेशन कार्ड है उसमें जो टीकाकरण कार्ड है उसमें एक पोर्शन जो है उसकी लीफ हम लोगों ने बनवाया है कि जब उनका दोनों डोज लग जाएगा तो उनको लकी ड्रा निकाल करके उसमें, जिससे कि लोगों के अंदर एक उसका भी एक चाह रहे जिससे कि लोग एक्टिवली करें। और बाकी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से और अन्य सभी आईसी मटेरियल के माध्यम से हम लोग सबको प्रेरित कर रहे हैं। विभिन्न विभागों के जो विभागाध्यक्ष वो भी प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक उसका एक पॉइंट है कि जिसमें थोड़ा अट्रैक्ट हुए। एक आखिरी छोटा सा कि आम आदमी जो 50 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं, काफ़ी संख्या है उनकी, उसको लेकर के क्या तैयारी? हम लोग मिड ऑफ मार्च में हम लोग वैक्सीनेशन दूसरे और तीसरे हफ्ते में हम लोग वैक्सीनेशन इसमें स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमको संकेत ऊपर से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के इसके हिसाब से दिए जाएंगे।